हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे पौधों के बारे में। पौधे जो होते हैं वे प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। पौधों को हम उत्पादक एवं स्वपोषक भी कहते हैं। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि वे अपने आसपास की चीज़ों जैसे सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन आदि से अपना भोजन बनाते हैं, जिसकी जो होता है प्रकाश संश्लेषण की वजह से। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जो कि पौधों में कैसे होती है, पौधे किस क्रिया से मतलब अपना भोजन खुद से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पिगमेंट का यूज होता है वो होता है क्लोरोफिल। इस क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है जिससे कि पौधे क्लोरोफिल की वजह से उसकी जो पत्ते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। पौधे का जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, वो होता है 6CO2 + 6H2O, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के साथ C6H12O6 और 6CO2 का निर्माण होता है। इसमें CO2 के 6 अणु होते हैं, जल के 12 अणु के साथ सौर ऊर्जा की सहायता से जुड़ते हैं और परिणाम स्वरूप ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं।